अस्सलामुअलैकुम ग्राफिक्स डिज़ाइन में खुश आमदीद। तजी प्रीमियर प्रो की एक और क्लास के साथ मैं हाज़िर हूँ। मेरा नाम उस्मान अशरफ है। जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा कि हम लोग जो टेक्स्ट के अंदर वीडियोस ऐड करनी है वो हम किस तरह से कर सकते हैं। टेक्स्ट के अंदर आप मल्टीपल वीडियोज़ भी कर सकते हैं, सिंगल वीडियो भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की चीज़ चाहिए। तो मेरा यार टाइम जो है कि बग़ैर हम करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जी हमारे पास ये कुछ वीडियोज़ हैं जो कि हम मैं आपको दिखाता हूँ। ये वीडियोस हैं हमारी वन टू और ये थ्री। ठीक है, ये हमारे पास तीन वीडियोस हैं। उसके अलावा नीचे म्यूज़िक रखा हुआ मैंने, तो ये हम बीट पे देखेंगे किस तरह से हम ये म्यूज़िक को करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने करना है वो टेक्स्ट लगाना है। तो टेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर ये टेक्स्ट के हमारे पास टूल है। जैसे कि मैंने आपको टेक्स्ट टूल पढ़ाया भी हुआ है, मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। मैं इस पर क्लिक करूंगा जी, तो यहाँ पर ये आ गया रन। टेक्स्ट जो हमने लिख लिया उसके बाद आ जाता है कि अपने फ़ॉन्ट साइज़ किस तरह से छोटा या बड़ा करना है। यहाँ पर वही ये इफ़ेक्ट कंट्रोल में जाएंगे तो वहाँ पर ये टेक्स्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ हमें मिल जाती हैं। ठीक है, वहाँ पर हम जाके फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं इसका। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कोई बोल्ड सा फ़ॉन्ट, तो अगर आपको नाम याद है फ़ॉन्ट्स के तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सर्च कर लें। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इम्पैक्ट लगाता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा बोल्ड सा फॉन्ट है इम्पैक्ट, और थोड़ा कॉम्पैक्ट भी है। ठीक है जी, एक तो ये फॉन्ट आ गया हमारा। ठीक है जी, ये मैंने इसको बड़ा कर लिया जितना मैं इसको बड़ा करना चाह रहा था। तो अब मैं इसको वीडियो के स्टार्ट में रख देता हूँ। ठीक है जी, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके ऊपर एक ब्लैक कलर का लगाना है। वाइट कलर में हमारा टेक्स्ट है और मुझे एक ब्लैक शेप जो है वो चाहिए। तो मैं शेप टूल में जाके इस पर, ये देखिए रेक्टेंगल में जाके पेन टूल में है ये शेप टूल, तो मैं इस पर ब्लैक कलर का मुझे ये बॉक्स चाहिए। ठीक है, तो मैं शेप टूल में जाऊंगा, उसका मैं कलर चेंज कर दूंगा। ये देखें, ये मैं यहाँ से इसको ब्लैक कर दिया मुझे, क्योंकि ये ब्लैक में चाहिए। और मैं इसका यहाँ से साइज़ फुल इसको बड़ा कर दिया। ठीक है, ये हमने टेक्स्ट भी लिख लिया और इस पर हमने ब्लैक शेप भी लगा ली। तो मुझे टेक्स्ट जो है ना वो ऊपर चाहिए, तो मैं इफेक्ट कंट्रोल पैनल में जाऊँगा। यहाँ पर ये देखें, ये टेक्स्ट की लेयर हमारी नीचे है, इसको मैं उठा के शेप के ऊपर कर दूंगा। ठीक है, तो ये ऊपर आ गई। ठीक है, अब ये जो दोनों चीज़ें लगी हुई हैं ना, ये एक ही ट्रैक पे लगी हुई हैं। अब ये देखें, वो है हमारा ट्रैक फोर है, वी फोर वीडियो फोर पे है, और ये दोनों एक ही चीज़ पे लगी हुई हैं और ये एक ही लेयर है, आप समझो। तो जी इस पर क्या करूँगा, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, हम जाएँगे ओपेसिटी में, यहाँ पर मैं इसको कर दूँगा मल्टीप्लाई। ठीक है जी, मल्टीप्लाई जब मैंने किया, जो हमारी फर्स्ट वाली वीडियो है वो सबसे ऊपर है, इसलिए आपको ये दरमियान में ये वीडियो नज़र आ रही है। ठीक है, अब हम इनको सेटिंग कर लूँगा इसके अकॉर्डिंग, ताकि जो हमारी वीडियो है ये आर के अंदर ये वाली वीडियो नज़र आए। तो ये वीडियो एडजस्ट करने के लिए वही हम पोजिशन चेंज करके स्केल चेंज कर सकते हैं, छोटा करना है हमने छोटा कर सकते हैं। ठीक है, मैं अब इस वीडियो को मास्किंग लगा देता हूँ। यहाँ पर ये पेन में जाएंगे, ये मास्किंग हम कर रहे हैं फर्स्ट वाली वीडियो जो है हमारी उसकी। ठीक है, ये हमारी वीडियो मास्क हो गई। अब ये यू वाली वीडियो जो है वो हमारी सेकंड वाली है, तो मैं उसको भी वैसे ही
मास्किंग यू पे जाएंगे, हम पेन टूल पकड़ेंगे और ये यू को भी हम मास्क कर देंगे, ठीक है। यू की भी मास्किंग होगी हमारी। अब हमारी रहेगी थर्ड वीडियो। थर्ड वीडियो की मैं पोजीशन थोड़ी चेंज कर लूँ। थर्ड वीडियो की पोजीशन चेंज करेंगे हम थोड़ी सी, ताकि हमें प्रीव्यू नज़र आए उसका। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पर हमारा टैक्स ख़त्म हो गया, इसलिए यह आपको इस तरह से नज़र आया। ठीक है, अब मैं उसको भी अगर मास्किंग करनी है तो कर लें, अदरवाइज़ वो काम तो चल रहा है उससे, लेकिन मास्किंग कर लें ज़रूरी है। ठीक हो गया जी। ठीक है जी, आपको तीनों वर्ड्स में अलग अलग वीडियोज़ नज़र आ रही हैं और ये बहुत ही आसान काम है, जैसा कि मैंने आपको समझाया। अब हम चाह रहे हैं कि एक एक वर्ड करके आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, टेक्स्ट में जाएंगे हम और इसको मैं बैक स्पेस कर देता हूँ। ठीक है जी, मैंने जब इसको बैक स्पेस किया तो मैं यहाँ पर इसका की फ्रेम भी ऑन कर लूँ, ताकि सोर्स टेक्स्ट जो है हमारा, इसको मैं बैक करूँ। ये मैंने की फ्रेम लगा दिया इसका इस बीट पे। ये यहाँ से बीट शुरू होती है, तो यहाँ पर मैं यू सॉरी की फ्रेम लगा देता हूँ। की फ्रेम लगा के मैं यहाँ पर यू प्रेस करूँगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर हमारी तीसरी बीट आ रही है आर यू, और यहाँ पर मैं एक और की फ्रेम लगाऊंगा और यहाँ पर एन। टेक्स्ट टूल और एन, ठीक हो गया। अब देखते हैं जी, उम्मीद है कि आपको ये आज की क्लास पसंद आई होगी। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग क्लास थी, थोड़ा सा एक नई चीज़ थी जो कि आपको सीखने को मिली। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपके लिए लेके आता रहूँ, तो उसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। उसके अलावा अगर आपके कोई सवाल हो वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट करें, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। और मेरी ग्राफिक किसी कम्युनिटी का एक लिंक भी मैंने शेयर किया हुआ है, आप फेसबुक पे जाके वो मेरी कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप मेरा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।